हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी ब्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हो यहाँ पे तीन गाड़ियाँ खड़ी हैं और बहुत ही पावरफुल गाड़ियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डबल सिलेंडर निंजा 300 यहाँ पे खड़ी है, RR 310 भाई विंगलेट के साथ में, और यहाँ पे खड़ी है ड्यूक 390। तो इन तीनों का करने वाले हैं हम लोग ट्रिपल बैटल अपने भाइयों के साथ में, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। पावर की चलिए बात कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये पावरफुल अब बाइक मिलने वाली है आपको। 46 PS की पावर हो चुकी है और 37 Nm का टॉर्क है इसमें। 30 PS की पावर है और 29 Nm का टॉर्क है इसमें। सबसे कम पावर है 39 PS की पावर है और 26 Nm का टॉर्क है। तो लेकिन यार यहाँ पे डबल सिलेंडर मिल रहा है, टॉप स्पीड मिल रही है, क्या इन दोनों गाड़ियों को निंजा बीट कर पाएगी? मुझे तो लगता है कर पाएगी। फिलहाल वो राइडर के ऊपर भी है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहूँगा केसी व्लॉग्स में। चलिए सीधे ड्रैग दिखाते हैं आपको। किधर आओ तुम? तो भाई मैं चलाने जा रहा हूँ ड्यूक, देख रहे हो सब लोग? ये भी बकैती कर रहे थे सब लोग, देख रहे हो? भाई ड्यूक में हम आ गए, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही, देखो भाई ड्यूक मैंने पावरफुल तो ले ली है, लेकिन टॉप स्पीड स्टिल निंजा की बढ़िया है एंड RR 310 की भी इनिशियल बढ़िया हो चुकी है। और ये राइडर जो है हल्का भी है, तो थोड़ा एडवांटेज। हाँ ठीक है, देखते क्या होते हैं, एडवांटेज मिलता है कि नहीं मिलता है एडवांटेज। निंजा सबसे पीछे एक्सेलरेशन में, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि सबसे पीछे रहेगी। अब देखते हैं, अभी तक कोई निकल नहीं पाया है। वो देखो इनिशियल RR 310 का तगड़ा हो गया है, बट कितनी देर? अभी तो सबसे आगे RR 310 है, ड्यूक भी बीट नहीं कर पा रही है उसको। भाई साहब RR 310 ने बवाल हो रहे, बट जल्दी निंजा सबको पीछे छोड़ने वाली है। निकली है भाई, क्या आगे निकली है, तगड़ा।
भाई निंजा से, बहुत आगे चल रही थी यार, गर्दन टेढ़ी हो गई। ओ भाई आरआर रेडर क्या भागी है भाई, फेल दिया डीप को उसने बहुत इजीली इनिशियल में। भाई साहब क्या रहा मामला, अबे बहुत देर में निकली ड्यूक, निकल गई, निकल तो गई, निकले पता नहीं क्या भगाई तो हमने थी, बहुत तेज एक्सेलरेशन भाई। हाँ ऊपर से क्विक शिफ्टर इतना स्मूथ काम, बहुत हाँ बहुत स्मूथ काम कर रहा है इसका क्विक शिफ्टर, पांचवें गियर में काम ही नहीं किया, पांचवें गियर में छठे गियर में आया ही नहीं, मुझे क्लच दबानी पड़ी। अबे भाई साहब क्या रिजल्ट निकल गया, अभी देख सकते हो आप लोग। अब देखो राइडर चेंज कर लेते हैं, अब हम चलाते हैं RR 310। ये देखो सीधे बैठ गए वहाँ जा कर के, ड्यूक नहीं चलाएंगे हम, चलाते हैं RR 310। चलो भाई राइडर चेंज कर दे रहे हैं लोग, यार देख रहे हो चलो भाई राइडर चेंज हो चुके हैं और कैमरा चल रहा है अपना। वॉबल हो गई थी गाड़ी बहुत गंदी वाली वैसे भी बहुत आगे था, कोई जीत नहीं पाता मेरे से, तो अभी रिजल्ट आप लोग के ये निकल के आए हैं आप देख सकते हो।
भाई गजब रहे भाई गजब, मुझे तो मजा आ गया यार। क्या भागती है यार निंजा यार, अरे इसका कोई तोड़ नहीं है, निंजा का कोई तोड़ नहीं है भाई, निंजा पेल देती है। क्या हुआ? धीरे कर रहा हूँ फिर भी उठी जा रही है ये भाई भाई धीरे करने के बाद उठती है। हाँ लैग है इसके वजह, लेकिन ये यार भागती क्या 190 मतलब लगभग टच होने वाली थी 189। वो टॉप एंड विनर है, उसको कोई वो नहीं है। इनिशियल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है 296 सीसी का इंजन के बाद भी इनिशियल भी अच्छा है उसका। लॉन्च होता था देखते हाँ जूम और आवाज क्या मस्त आती है। तो भाई अभी आप लोगों ने देख लिया रिजल्ट क्या आए हैं, बहुत बेहतरीन आए और होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। भाई आप लोग क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट पहन के रख के मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।